चांदपुर कोतवाली में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं शहर काजी मोहम्मद आमिर, शहर इमाम सपा नेता मोहम्मद अरशद मुक्ति यासीन जुल्फकार और भूरे अफजल कुरैशी, नेता कांग्रेस सिंह ब्रह्मपाल सिंह, अरुण कुमार अल्लू भाई, समाज सेवी मतलूब कुरैशी, राजेंद्र त्यागी, वीरेंद्र राजपूत, हाजी शमशाद, अशोक कुमार, नेताजी सत्येंद्र बजाज, अजय वर्मा, अमित कुमार गोयल, विवेक अग्रवाल, मोहम्मद हनीफ, नौशाद आलम, पल्लव अग्रवाल, राजकुमार धर्मपाल सिंह, राजेंद्र त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। चांदपुर से शमशाद सैफी की रिपोर्ट। इसका मकसद भी होता है कि थाने कोतवाली के जो जिम्मेदार हैं वे चाहते हैं कि हमारे इलाके में हर तरह का अमन रहे। हर जनाब अरशद साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, चांदपुर के समाज सेवी नेता, आपके बीच हूँ। अच्छे काम होने चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए पुलिस के लिए। पुलिस के काम बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, कदम कदम पर चुनौतियाँ होती हैं। अगर जनता का सहयोग मिलता रहे और अच्छे काम होते रहें तो मैं समझता हूँ ये चांदपुर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ हम परिचय शुरू करते हैं। पड़ जाएगी। इसके अलावा कुछ साइंस बनवा रहे हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव, जो कि रात में जब गाड़ी की रोशनी पड़ेगी तो खूब चमकेंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी मुख्य मार्ग हैं सब पर वो लग जाएंगे, तो जब भी चांदपुर कोई आएगा तो इंशाल्लाह उसको पहले से पहचान हो गई भाई चांदपुर आ जाएगा। तो एक ये बात हो गई है। अच्छा, एक यहाँ आकर मुझे एक प्रेरणा मिली है इस बात की कि भाई यहाँ पे सब लोग नगर पालिका की शिकायतें रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे जहन में ये आइडिया है कि जिस तरीके से अमन कमेटी की मीटिंग यहाँ हो रही है, क्यों ना हर महीने एक मीटिंग नगर पालिका में भी बुला ली जाए, जिसमें शहर के लोगों को इन्वाइट किया जाए और वो अपनी सारी बातें, जो भी उनकी शिकायतें, परेशानियां, तकलीफें उसमें रख सकें। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। और एक ये है कि भाई शहर में बहुत सारे खम्भे हैं जो नगर पालिका द्वारा लगवाए गए थे, लेकिन उनके ऊपर तार नहीं पड़े हैं, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। एसडीओ साहब से भी मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी जो भी खम्भे नगर पालिका से लगवाए गए हैं उनके ऊपर वो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जो भी वो बिजली विभाग वाले हाइडल वाले लगवा रहे हैं उन्हीं के ऊपर कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने मुझसे कहा है कि जितने भी जहां जहां खंभे या बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई आप हमें बताइए और इंशाल्लाह हम वहां पर हाइडल विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। पहले कौन मददगार होगा? पड़ोसी होगा, चाहे तुम्हारे यहाँ चोरी हो जाए, लूट हो जाए या कोई और अप्रिय घटना हो जाए, सबसे पहले मदद के लिए हाथ आएगा तो वो पड़ोसी का आएगा। तो मेरा यही सभी से गुजारिश है कि एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करें। रोजा अवतार पार्टी होगी, बहुत से हिंदू भाई मनाएंगे, हम भी आएंगे। परसों में एक अपने रिश्तेदार से बात कर रहा था, बोले हमारे यहाँ वो है, आप आ जाइए। हमने तुम अकेले मेरे रिश्तेदार दो चार और हैं, यहाँ तो मेरा पूरा चारों थाने का जितना आदमी सब रिश्तेदार है। क्यों? जितनी कोई किसी के यहाँ परेशानी होती है तो भी मुझे जाना है, किसी की खुशी से मुझे अगर बुलाता है दावत में तो भी मैं जाना है। तो मेरे तो यहाँ सब रिश्तेदार हैं, बताइए मैं कैसे छोड़ के आऊंगा। अभी चुनाव चल रहा है तो सारी जनता मेरी रिश्तेदार है, क्योंकि मुझे दुख सुख में सबके यहाँ जाना है। किसी के यहाँ कोई बात हो जाए, रात में 2 बजे भी फोन आएगा तो भी मुझे आना पड़ेगा, मजबूरी में आना पड़ेगा। कहते हैं ना जबरदस्ती वाली रिश्तेदारी भी है ये जबरदस्ती वाली रिश्तेदारी है। तो हमारे तो सब रिश्तेदार हैं, सब कुनबा के लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छे रहें, तरक्की करें, चांदपुर बहुत अच्छा रहे, खुशहाल रहे सब लोग, किसी के घर में कोई समस्या ना आए। और ये रमजान का महीना और ये चुनाव बहुत अच्छी तरह से बीते, दोनों त्योहारों की, चुनाव भी एक बहुत बड़ा त्योहार ही है, दोनों त्योहारों की सभी को बहुत बहुत